हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है अपने रिजल्ट्स में, जैसे कि किस कुछ काफी बच्चे जिनका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, उनका शो नहीं हो रहा है, काफी बच्चे जिनको ईआर देखने को मिल रहा है और काफी बच्चे जिनको अपने रिजल्ट्स में एफ देखने को मिल रहा है। तो आप सब इन सब चीज़ों में क्या करना है, कैसे करना है हैंडल, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ इन सबका सॉल्यूशन कितना आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका शो नहीं हो रहा। देखो, आपका शो नहीं हो रहा तो आपके लिए टेंशन की बात नहीं, वो ग्लिच होता है, एरर होता है, साइट बिजी रहती है, अभी भी डिक्लेयर हुआ है तो हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वेट करो, रिफ्रेश करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, दोबारा डाउनलोड करो। जैसे आपने वो किया, डाउनलोड किया और आपको एक दो सब्जेक्ट्स में दिखा रहे कि नॉट शो रिजल्ट, नॉट प्रिपेयर, तो आप लोग उसे दोबारा डाउनलोड करो, ठीक है। दोबारा डाउनलोड करो या फिर थोड़ा वेट करो, एक दिन बाद डाउनलोड करो तो ठीक हो जाएगा, वो टेक्निकल ग्लिच, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। एक दो दिन रुक के या फिर दोबारा रिट्राई ट्राई करके आप वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। बच्चे ऐसे भी काफ़ी जो कि पेपर देखा है, बहुत अच्छा पेपर देखा है और फिर भी उनको फेल कर दिया गया है, तो उनके लिए सॉल्यूशन है अपना रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन। रीचेकिंग आप करा सकते हैं या रीवैल्यूएशन करा सकते हैं, बट मैं कहूँगा वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें आपको काफ़ी पैसा लग जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको इसमें पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया, एक नंबर पेपर दिया, आप उसमें टॉपर थे, फिर भी आपको फेल कर दिया गया, तो आप जाकर एक बार रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में थोड़ा फर्क होता है। रीचेकिंग में क्या होता है, आपके सिर्फ मार्क्स दिख जाएंगे, आपके जो टोटल होते हैं ना, जैसे जितने क्वेश्चन किए आपने उनके कैलकुलेशन की जाएगी मार्क्स, ठीक है। रीवैल्यूएशन में ये होगा कि आपके एक क्वेश्चन चेक किया जाएगा, आपके सारे आंसर चेक किए जाएंगे, मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, ये आंसर में इतने मार्क्स मिलने थे तो इतने बढ़ा देंगे, तो उसमें पूरा पेपर चेक होता है रीवैल्यूएशन में। रीचेकिंग में आपको सिर्फ मार्क्स ऊपर ऊपर का चेक होता है कि हाँ मैंने सही मार्किंग की है ना, सही कैलकुलेशन किया ना, इतना ही चेक होता है, ठीक है। तो 800 से 1000 रुपये पर सब्जेक्ट लग जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया तो फिर भी आपको फिल कर देगा, तो जाके अपना करा सकते हो एक बार। बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है, रहने दो, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, तो बट अगर फुल कॉन्फिडेंट हो तो जाओ, ठीक है, क्योंकि भाई वो इंपॉर्टेंट है, जाओ और फुल कॉन्फिडेंट हो तो। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको यार पेपर देके भी आए फिर उनको एब्सेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो यार आपको कुछ नहीं करना, आपको चले जाना है स्कूल, वहाँ जाके आपको अपना डालना है कंप्लेन, या फिर उनको बोलो कि यार हम तो गए थे फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप पेपर जाओ, सोल जाओ। इसका कोई ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ आप घर बैठे कुछ कर सकते हो, आपको सोल ही जाना पड़ेगा, वहाँ टीचर से बात करना पड़ेगा, वहाँ आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं गया था, पेपर देख के आया हूँ। अगर वो लोग कुछ कर सकते तो कर सकते, नहीं तो यार आप लोगों के लिए तो संकट आ चुका है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा तो एक बार सोल जाओ, वहाँ जाकर विजिट करो, अपने टीचर से बात करो एंड देखो क्या कर सकते हो, तो एक बार वहाँ चले जाना और वहाँ बात करना, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी जो ईयर आए बच्चों को, उसका मतलब देखो, ईयर का मतलब होता है एग्जाम रीअपेयर, मतलब आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। और जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर में किस भी सब्जेक्ट में ईआर आता है, तो आपको उस सब्जेक्ट की जो वो भी जिसमें भी ईआर आता है वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में देना होगा, ठीक है। जब थर्ड सेमेस्टर की मतलब पूरे एक ईयर का फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें अपना जो फोर्थ सेमेस्टर में जैसे अपने बिजनेस लॉ में किसी का ईआर आया तो वो बिजनेस लॉ का अलग से पैसा देगा और बिजनेस लॉ के टिक करेगा, बिजनेस लॉ भी पढ़ना उसको, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा एग्जाम देगा, रीअपेयर एग्जाम, रीअपेयर ईआर का मतलब फोर्थ सेमेस्टर में उसे वो एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, बाकी अपने चार सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। उनकी डेट अलग से आ जाती है, वो लोग सब कुछ आ जाता है, तो आप वहाँ पता कर सकते हो। तो जब भी फॉर्म भरो तो उसमें ये सब्जेक्ट्स ऐड करते हैं जिसमें ईआर आया, ठीक है। एंड बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे फटाफट कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।